हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कल हमने किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमने जाना कि आयटा स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल। तो इस आयटा स्केयर की वैल्यू से हम बहुत से क्वेश्चन भी किए थे हमने, और कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन साथ जोड़ करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आयटा 592 प्लस आयटा 590 प्लस आयटा 588 बाय आयटा 82 प्लस आयटा 580 प्लस आयटा 578, इसका आंसर निकालिए क्या होगा। तो हमने किया 592, इवन नंबर है तो 2 की पावर्स में लिखेंगे, तो ये कितना आएगा 296। सिमिलरली आयटा स्क्वायर इवन नंबर है तो ये कितना आएगा 295। सिमिलरली आयटा स्क्वायर 294। इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसको क्या लिखेंगे, आयटा स्क्वायर 214 और 191 प्लस आयटा 290 और ये आयटा स्क्वायर 289। अब आयटा स्क्वायर हमें पता है -1 296, -1 295, -1 294 डिवाइड बाय -1 291, -1 290, -1 289। -1 296 इवन नंबर, -1 की पावर इवन नंबर हो तो वो क्या आ जाता है, +1। -1 क्योंकि -1 की पावर ऑड नंबर, +1 डिवाइड बाय -1 +1 -1 कैंसल कैंसल, तो व्हाट इज द आंसर, -1। गॉट इट। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कुछ क्वेश्चंस और हम करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट है जैसे ये क्वेश्चन, 1 प्लस आयटा 1 प्लस 2 आयटा, इसे हमें सॉल्व करना है, इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आयटा बी। तो मैंने कल बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 को 1 से 1 को 2 आयटा से 2 आयटा आयटा को 1 से आयटा आयटा को 2 आयटा से 2 आयटा स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, देखो ऐड कैसे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, रियल वाले में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट जिसमें आई होगा और रियल पार्ट जिसमें आई नहीं होगा। तो इसमें 1 2 आयटा प्लस आयटा तो कितना हो जाएगा, 3 आयटा। आयटा स्क्वायर -1 तो ये कितना आ गया, -2। -2 प्लस 1, -1 प्लस 3 आयटा, दैट इज योर आंसर। गॉट इट। तो हमें आयटा, इसको 3 आयटा -1 -2 आयटा नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा, ये नहीं लिखना है इसको, ये गलत हो जाएगा, ये आंसर है। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना आएगा, 4 आयटा स्क्वायर -1 प्लस 4 आयटा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 आयटा। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, कल मैंने आपको बोला था डिनोमिनेटर में आयटा हमें नहीं छोड़ना है, अगर डिनोमिनेटर में आयटा है तो हमें क्या करना होगा, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कैसे करेंगे, आयटा के आगे का साइन चेंज, जैसे रेशनलाइजेशन करते थे बीच में जो रूट के आगे साइन होता था वो चेंज करते थे, एज इट इज आयटा के आगे 3 प्लस 4 आयटा, 3 माइनस 4 आयटा, आयटा के आगे का साइन सिर्फ प्लस था माइनस, डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयटा, कितना आएगा ये 3 माइनस 4 आयटा। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एज यू नो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्केयर 9, 4 आयटा स्केयर 16 आयटा स्केयर।
आयटा स्क्वायर एस भी नो माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, तो 3 माइनस 4 आयटा बाय 25, दिस इज योर आंसर। तो आपको क्वेश्चंस जो हैं आरडी शर्मा 13.2 एक्सरसाइज, आपको जो क्वेश्चंस है वो इसी तरह से क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में कीजिए, मैं उसे कल सॉल्व करवाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होता है? इमेजिनरी के इक्वल। जब रियल पार्ट किसके इक्वल होता है? रियल के इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू हम मान लेते हैं, जेड वन क्या होगा ए प्लस आइटा बी और जेड टू क्या होगा सी प्लस आइटा डी। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? ये इक्वल होंगे जब रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। कोटिंग क्वेश्चन देखें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया x प्लस आइटा बाई 2 माइनस 3 आइटा इज इक्वल टू 4 प्लस आइटा, फाइंड x एंड y। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब a प्लस आइटा b की फॉर्म है। तो कैसे लाएंगे इन दोनों को? हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कीजिए 2x माइनस 3x आइटा, 2x x को इससे करेंगे तो 3x आइटा, इससे करेंगे तो 2 आइटा y और इससे करेंगे तो -3 आइटा स्क्वायर y। कोट इट। नेक्स्ट 2x माइनस 3x आइटा प्लस 2 आइटा y, ये कितना हो जाएगा आइटा स्क्वायर माइनस वन। तो माइनस माइनस प्लस वन। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? रियल पार्ट जो होंगे उनको अलग से एक ब्रैकेट में और जो इमेजिनरी पार्ट है उन्हें एक ब्रैकेट में। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा 2x और 3y, तो 2x प्लस 3y अलग से, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें हम i कॉमन लेंगे, तो i कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा -3x प्लस 2y इज इक्वल टू। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया a प्लस आइटा b। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो क्या होगा? रियल पार्ट रियल के और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। यहाँ पर रियल पार्ट क्या होगा हमारे पास 2x प्लस 3y, ये पूरा 2x प्लस 3y, और यहाँ पर रियल पार्ट क्या होगा हमारे पास 4। तो समझे रियल पार्ट 2x प्लस 3y और यहाँ पर क्या होगा रियल पार्ट हमारे पास 4। इमेजिनरी पार्ट यहाँ लिख देना कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होगा -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। आई को नहीं लेना, आई के कोफिशियंट्स को ही लेना है सिर्फ। यहाँ पर आई का कोफिशियंट दिस और यहाँ पर आई का कोफिशियंट क्या होगा 1। अगर यहाँ आई नहीं होता तो 0, अगर आई है तो उसका कोफिशियंट। यहाँ पर क्या होगा हमारे केस में 1। अब बाय एलिमिनेशन मेथड आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करना, जो भी आंसर आएगा चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। नेक्स्ट देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसमें आयटा का साइन चेंज कर देंगे, वो कॉन्जुगेट होगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है, हमें पूछा कॉन्जुगेट को हम बार से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे? जब जेड के ऊपर बार हो इट मींस उसका कॉन्जुगेट अभी हमें करना है। तो जेड कॉन्जुगेट इसका क्या आएगा ए, आयटा के आगे का साइन चेंज, सिर्फ आयटा के और कोई भी नहीं, सिर्फ आयटा। तो आयटा के आगे का साइन चेंज कर देंगे क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट करना है। तो कॉन्जुगेट समझे सिर्फ आयटा का, आयटा की कोई भी पावर का नहीं, सिर्फ आयटा का, आयटा की पावर 1 है, तो
तो ही कॉन्जुगेट होगा, अदरवाइज उसका कॉन्जुगेट नहीं करेंगे, उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे फिर उसका कॉन्जुगेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन गिवन है जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आई नाउ फाइंड कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका 2 माइनस 3 आएगा, सिर्फ किसका साइन चेंज करना है हमें आईटा का, या इसे इस टाइप से लिखेंगे माइनस 2 प्लस 3 आईटा, तो इसका कॉन्जुगेट देखो माइनस 2 एज इट इज पड़ा है, मैंने सिर्फ किसका साइन चेंज किया आईटा का। एक एग्जांपल हो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया आईटा क्यूब, इसका हमें क्या निकालना है कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे किस में लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब आयटा क्यूब को हमें किस में लाना पड़ेगा आयटा में, और ये कल भी हमने किया था कि आयटा क्यूब किसके इक्वल होता है माइनस आयटा, आयटा क्यूब किसके इक्वल होता है माइनस आयटा, तो माइनस आयटा आ गया तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा प्लस आयटा। क्वेश्चन देखिए कुछ, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है आरडी शर्मा में थर्ड का सेकंड पार्ट 1/3 प्लस 5 आईटा, इसका कॉन्जुगेट करना है, तो मैंने बोला था जैसे ही क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में आईटा आपको दिखाई दे तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है उसका रियलाइजेशन करना है, तो इसका रियलाइजेशन क्या होगा 3 प्लस 5 आईटा, रियलाइजेशन में क्या करेंगे आईटा के आगे का साइन चेंज सिर्फ, तो ये कितना बन जाएगा नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, 6 का स्केयर 9, तो ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 25 आइटा स्केयर, तो ये कितना आएगा आइटा स्केयर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 5 आइटा बाय 34, दिस इज योर आंसर। अब हमें पूछा इसका कॉन्जुगेट, हमें इसका क्या फाइंड करना है कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट के लिए मैंने बोला सिर्फ क्या होगा आयटा के आगे का साइन चेंज, आयटा के आगे का साइन चेंज माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 आयटा बाय 34, दिस इज योर आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई का उल्टा, जैसे 5 है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/5, जैसे 6 है तो इसका क्या हो जाएगा 1/6, 2/3 है तो इसका क्या हो जाएगा 3/2, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में क्या होगा जैसे हमें जेड दिया हुआ है 1 माइनस आल्फा और वो बोलते हैं इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालो, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका 1/1 माइनस आईटा उल्टा, लेकिन मैंने बोला आईटा नीचे नहीं होना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका रियलाइजेशन। आगे आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे, नेक्स्ट देखो होता है
सकता है जैसे 5, तो इसका एडिटिव इनवर्स -5, जैसे -6 तो उसका क्या हो जाएगा +6, साइन चेंज करो। जैसे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा 5 + 6 आइटा, तो हमें इसका एडिटिव इनवर्स निकालना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का साइन चेंज कर दो, -5 - -6 आइटा। तो आज इतना ही करेंगे, आप क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज आप समझे कि कॉन्जुगेट क्या होता है, सिर्फ आइटा के आगे का साइन चेंज करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल करना, तो डिनोमिनेटर में आइटा है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन, और एडिटिव इनवर्स में हमें क्या करना होगा, दोनों साइन चेंज करने, रियल पार्ट के भी और इमेजिनरी पार्ट के। तो बच्चों इसको कंप्लीट करो, आज इतना ही करेंगे, बाकी कल। थैंक यू।